चतुर खरगोश। एक बार एक जंगल में चतुर्दंत नाम का एक बड़ा हाथी अपने झुंड के साथ रहता था। उस जंगल में 12 साल बारिश ही नहीं हुई, जिसके कारण वहां के सभी तालाब और झील सूख गए। सभी हाथियों ने चतुर्दंत हाथी से कहा, महाराज पीने के लिए पानी नहीं है, पानी के अभाव में अपने झुंड के छोटे छोटे हाथी मर गए हैं, और अब यदि पानी मिला नहीं तो बाकी हाथी भी मारे जाएंगे, इसलिए अब एक त्रा तालाब ढूंढना जरूरी है, हम सभी को वहां जाना चाहिए। चतुर्दंत हाथी ने कहा, यहां से कुछ दूर पूर्व की दिशा में चंद्रसर नाम का एक तालाब है, जिसमें पानी पाताल गंगा से आता है, इसीलिए वो तालाब हमेशा पानी से भरा रहता है। इसके अलावा उस तालाब के आसपास बहुत हरी भरी झाड़ियां हैं, बहुत सारी घास है, इसलिए हम सभी वहां जाएंगे। और इस प्रकार सभी हाथी उस तालाब की ओर जाने लगे। 5 रात चलते चलते वे सभी हाथी उस चंद्रसर तालाब के पास पहुंचे। पानी से भरा हुआ चंद्रसर तालाब देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों से उन्होंने इतना सारा पानी देखा ही नहीं था। फिर क्या, खुशी से सभी हाथी पानी में कूदे, पेट भरकर पानी पिया, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंका, और फिर पानी के बाहर आए और घमाघम नाचते हुए फिर से जंगल की ओर निकल पड़े। और फिर उस दिन के बाद ये उनकी रोज की दिनचर्या हो गई। उस तालाब के पास जो घास थी, उस घास में बहुत से खरगोशों के घर थे। हाथियों के रोज रोज वहां आने जाने के कारण बहुत सारे खरगोश उन हाथियों के पैरों तले रोंदे जाने लगे। कई खरगोशों के पैर टूट गए, बहुतों की गर्दनें मरोड़ी गई, और बहुत सारे खरगोश तो मारे जाने लगे। इस नए संकट के कारण खरगोश घबरा गए। अब क्या किया जाए, इस संकट से कैसे बाहर निकले, इस पर विचार करने के लिए खरगोशों की एक सभा बैठी। उस सभा में एक एक खरगोश बोला, हम पर जो संकट आया है वो आप सभी को पता है, पूरे जंगल में कहीं भी पानी नहीं है, इसीलिए ये हाथी यहाँ आएंगे और हमें यूं ही कुचलते हुए जाएंगे। ये ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। उन खरगोशों के बीच एक लंबकर्ण नाम का एक होशियार खरगोश था। वो बोला, यहाँ हमारी बहुत सी पीढ़ियां रही है, इसीलिए ये जगह छोड़कर जाना गलत होगा, यहाँ रहकर ही हमें उन हाथियों का विरोध करना चाहिए। पर अब हाथियों को विरोध करें कैसे, उन हाथियों की ताकत कितनी और हमारी कितनी, सिर्फ छूकर ही वे हाथी हमें जान से मार देंगे। इस विचार से सभी खरगोश चिंता में पड़ गए। उनकी ये हालत देखकर लंबकर्ण नाम का खरगोश बोला, तुम चिंता मत करो, शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ होती है। क्या कहा उस खरगोश ने, शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ, और इसीलिए मैं युक्ति से ही उन सारे हाथियों को सीधा करता हूँ। लंबकर्ण को सुनकर सभी खरगोशों को आनंद हुआ, उसकी होशियारी की सभी खरगोश स्तुति गाने लगे। और दूसरे ही दिन लंबकर्ण खरगोश हाथियों को सबक सिखाने निकला। वो हाथी जिस रास्ते से उस तालाब तक आते थे, उस रास्ते पर एक छोटी पहाड़ी थी। लंबकर्ण उस पहाड़ी पर चढ़कर हाथियों का इंतजार करने लगा। दोपहर होते ही चतुर्दंत हाथी अपने झुंड के साथ उस तालाब की ओर जाने लगा। हाथियों के झुंड को पास आते देखकर छोटी पहाड़ी पर बैठा लंबकर्ण हाथियों के राजा से बोला, अरे दुष्ट हाथी रुक जा, जैसा आया है वैसा ही वापस चला जा, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। अरे तुम सभी उस चंद्रसर तालाब में जाते हो, पानी गंदा करते हो, वहाँ की झाड़ियों में मर्जी आए वैसा नाचते हो, तुम्हारे पैरों के आघात से सभी खरगोश मारे जाते हैं, इस बात की तुम्हें शर्म नहीं आती, इसीलिए जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। लंबकर्ण का ये भाषण सुनकर हाथियों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक सामान्य खरगोश हमें हाथियों को धमकी दे रहा है। हाथियों के राजा ने कहा, कौन हो तुम,
हमें रोकने का तुम्हें क्या अधिकार है? लंबकर्ण ने कहा, मैं कौन? बताता हूँ तुम्हें, ठीक से सुनो। मेरा नाम विजय है और मैं खरगोशों का राजा हूँ। मैं चंद्रलोक में रहता हूँ और मैं चंद्र महाराज की ओर से तुम्हारे लिए ये संदेश लेकर आया हूँ। क्या, तू चंद्र महाराज का संदेश लाया है? बोल बोल, जल्दी बोल। चंद्र महाराज ने क्या कहा? उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हाथियों के राजा ने अधीर होकर पूछा। चंद्र महाराज ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। तू रोज अपने झुंड को लेकर उस चंद्रसर तालाब की ओर जाता है। तालाब के पास की झाड़ियों में खरगोश रहते हैं। वे खरगोश मेरी प्रजा है, मैं उनका राजा हूँ। तुम उन खरगोशों को कुचलते हो, जान से मार देते हो, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए तू उस तालाब में जाना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। ये सुनते ही हाथी के तो होश उड़ गए, वो बहुत डर गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे बचाओ, चंद्रसर महाराज कहाँ हैं अभी? वे चंद्रलोक से पृथ्वी पर उस चंद्रसर तालाब में आए हैं, वहीं से मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ, लंबकर्ण खरगोश ने बेधड़क बोल दिया। हाथी ने कहा, अब मुझ पर कृपा करो, मुझे चंद्र महाराज के पास ले चलो, मैं उनके दर्शन लूंगा, उनसे माफी मांगूंगा। ठीक है, खरगोश ने कहा, आज रात को तू अकेला ही मेरे साथ चल। पर महाराज के पास नहीं जाना, उसको छूना नहीं, दूर से ही प्रणाम करके क्षमा मांगना। फिर रात होने पर लंबकर्ण खरगोश हाथी को उस चंद्रसर तालाब के पास लेकर आया। तालाब के साफ पानी में चंद्र का प्रतिबिंब स्पष्ट दिख रहा था। हवा के झोंके के कारण पानी हिल रहा था और इसीलिए चांद की प्रतिमा थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। लंबकर्ण ने उस हाथी को चांद का प्रतिबिंब दिखाया और कहा, ये देखो महाराज बैठे हैं, वो गुस्से में कांप रहे हैं, वो तुझसे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, तू यहीं से उन्हें प्रणाम कर। उस मूर्ख हाथी को ये सारी बातें सच लगी और उसने चांद को प्रणाम करके माफी मांगी और वहां फिर कभी नहीं आने का वचन देकर निकल गया। फिर कभी भी वे हाथी वहां नहीं आए। उसके बाद वहां के सभी खरगोश सुख और शांति से रहने लगे। तो बच्चों, ये कहानी सुनकर तुमने क्या सीखा? आदमी को समय देखकर शक्ति से ज्यादा युक्ति का उपयोग करना चाहिए, बड़ों के नाम का उपयोग करके अपना काम निकालना चाहिए, यही सही है। भटकते गवैये। एक किसान था, उसका एक भरोसेमंद गधा था। उसने सालों साल अपने मालिक की सेवा पूरे मन से की थी। पर अब वो बहुत बूढ़ा हो गया था, वो ज्यादा काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए किसान को अब वो एक बोझ लगने लगा था। उसका हमेशा के लिए इंतजाम हो, ऐसे दुष्ट चाल किसान ने चली। गधे को समझ में आ रहा था कि उसके खिलाफ कुछ न कुछ साजिश हो रही है और वो अपने मालिक के घर से धीरे से भाग निकला। गधा सीधे ब्रेमेन नगर की ओर चल पड़ा। उसका विश्वास था कि उस नगर में उसे दरबारी गायक बनने का मौका मिल सकता है। चलते चलते थोड़ी ही दूरी पर रास्ते के कोने में उसे एक कुत्ता थकी हुई हालत में करहाता हुआ दिखा। दोस्त, तुम क्यों करहा रहे हो? गधे ने पूछा। अरे रे,
क्या बताऊं, मैं अब बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। शिकारी को मेरा अब कोई काम नहीं, इसलिए मेरे मालिक ने मुझे मारने की साजिश की। ये जानकर मैं भाग आया, पर पेट भरने के लिए अब क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा। ठीक है, गधे ने कहा, ब्रेमेन नगर का दरबारी गायक होने का मुझे मौका मिल सकता है। मैं वही जा रहा हूं, मेरे साथ आओगे तो मेरे साथ तुम्हें भी कुछ ना कुछ काम मिल सकता है। कोशिश तो करके देखो। कुत्ते ने उसकी बात मान ली, फिर वो दोनों साथ में निकल पड़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे तो उनकी मुलाकात एक रोती हुई बिल्ली से हुई। मौसी जी, गधे ने पूछा, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो, क्या हुआ? बिल्ली ने कहा, कोई जान लेने की कोशिश करे तो दुख तो होगा ना, मेरी उम्र हो गई है। घर के चूहे पकड़ने की बजाय मैं चूल्हे के पास आग सेकती रहती हूँ, इसीलिए मेरी मालकिन ने मुझे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की। भाग्य अच्छा था इसीलिए बच गई, पर इसके आगे कैसे गुजारा होगा? ठीक है, गधे ने कहा, हम सभी ब्रेमन नगर जाएंगे। रात के राग गाने में तुम्हारा बड़ा नाम है। ब्रेमन नगर में तुम्हारी भी किस्मत खुल सकती है। बिल्ली ने कहा, ठीक है, और वो भी उनके साथ चल पड़ी। सभी यात्री खेत के बगल से जा रहे थे। एक मुर्गा दरवाजे पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाता हुआ उनको दिखाई दिया। हे वीरा, गधे ने पूछा, इतनी बुलंद आवाज में तार स्वर में चिल्लाने का क्या कारण है? नहीं तो क्या करूं? ऐसा पूछते हुए मुर्गे ने जवाब दिया, धुलाई के दिन हवा अच्छी होगी, ऐसा मैं जोर से चिल्लाकर बता रहा था। मेरा एहसान मानना तो दूर, मालकिन और रसोइये ने मुझे ही काटना चाहा। रविवार को जो मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए मेरा सूप बनाने वाले थे, ऐसी साजिश चल रही थी उनकी। भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, गधे ने कहा, मुर्गे महाराज, गला कटवा लेने की बजाय तुम हमारे साथ ब्रेमन नगर चलो। ताल सुर में गाओगे तो हम सभी गायकों को एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका मिल सकता है। तुम भी हमारे साथ चलो। मुर्गे ने उनकी बात मान ली। चारों के चारों मजे में निकल पड़े। दूसरे दिन वे ब्रेमन नगर नहीं पहुंचे। रात उन्होंने जंगल में ही गुजारी। गधे और कुत्ते ने एक बड़े पेड़ के नीचे पैर पसारे। बिल्ली भी उसी पेड़ के ऊपर एक डाल पर सो गई। जितना ऊपर उतना सुरक्षित, ऐसा सोचकर पंडित मुर्गे महाराज पेड़ के सबसे ऊपर जा बैठे। अपनी आदत की वजह से मुर्गे ने इधर उधर झांकना शुरू किया। उसने दूर नजर डाली। उसे कहीं से कोई रोशनी, कोई झगमगाहट दिखाई दी। उसने अपने मित्रों को बताया
यहाँ से कुछ ही दूर पर एक घर है, वहाँ की बत्तियाँ मुझे दिख रही है। गधे ने कहा, ऐसा होगा तो हम रहने के लिए जगह बदलेंगे, ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है। कुत्ते ने कहा, मेरे लिए दो हड्डियां और मांस का टुकड़ा, ये मिल जाए तो अच्छा होगा। मुर्गे की बताई हुई जगह पर वो सभी पहुंचे। वो जगह खूब बड़ी थी। उनको पता चला कि वहां कुछ चोरों की टोली थी। सबसे ऊंचा गधा था, तो उसने अपने आगे के दो पैर खिड़की में रखे और अंदर झांक कर देख लिया। मुर्गे ने पूछा, गधे जी क्या देखा? गधे ने बताया कि खाने के टेबल पर बढ़िया बढ़िया पकवान है, वे सारे चोर मजे से खाना खा रहे हैं। रहने को तो ऐसा बड़ा घर मिलेगा नहीं। मुर्गे ने कहा, हाँ पर अंदर जा सकते तो क्या बात थी। गधे ने उत्तर दिया, चोरों को कैसे भगाया जाए। इस पर चर्चा करने को वे बैठे। उन्होंने एक योजना बनाई। गधे ने अपने आगे के पैर खिड़की पर रखे और पीछे के पैरों पे खड़ा हो गया। उसके पीठ पर कुत्ता बैठा। कुत्ते की पीठ पर बिल्ली चढ़कर बैठी और मुर्गा उड़कर बिल्ली के सर पर बैठ गया। मुर्गे ने इशारा किया और सभी ने गाना गाना शुरू किया। गधे ने गाना शुरू किया, भू भू भू। कुत्ता भौंकने लगा, बिल्ली ऐसे चिल्लाने लगी और मुर्गा ऐसे करके चिल्लाने लगा। खिड़की से घुसते समय उसकी कांच धड़ से टूट कर गिर गई। बड़ी जोर की आवाज आई। चोर घबरा कर उठे। उनको लगा कि कोई भूत है। वो इतना घबरा गए कि जंगल में भाग गए। चारों अंदर आए और अपनी पसंद के खाने पर टूट पड़े कि जैसे महीने भर के भूखे हों। फिर सभी ने अपने अपने सोने का बंदोबस्त किया। गधा आंगन की घास में सोया। कुत्ता दरवाजे के पीछे सोया। बिल्ली चूल्हे की गर्माहट सेकते हुए वहीं बैठी रही। मुर्गा छत पर जाकर बैठा। खाना खाकर सभी ने घर की बत्तियां बुझा दी। सभी इतने थक गए थे कि पल में उन्हें नींद आ गई। आधी रात बीत जाने के बाद चोरों ने दूर से देखा। अपने घर में बत्तियां बुझी हुई है, सब कुछ कैसा शांत शांत है। चोरों के सरदार ने कहा, हम कैसे डरपोक की तरह भाग आए, हट, ये कितनी शर्म की बात है। उसने घर की तलाशी लेने को एक चोर को भेज दिया। सभी जगह शांति देखकर चोर रसोई घर में घुसा। उसने मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती के प्रकाश से बिल्ली की आंखें उसे ऐसे दिखाई दी जैसे जलता हुआ कोयला। फिर उसने सहज ही माचिस की तीली जलाई। इस पर उस बिल्ली ने उस चोर को
हाथों से नकोड़ दिया। चोर घबरा गया और दरवाजे की ओर भाग निकला। दरवाजे के पास था कुत्ता। उसने चोर के पैर को जोर से काट लिया। चोर आंगन की ओर भागा। गधे ने उसे धमाकी मारी। इतनी गड़बड़ी में मुर्गा बहुत पहले ही जाग गया था। छत पर बैठे हुए उसने जोर से आवाज लगाई। बस फिर क्या, चोर भाग निकला। कांपते हुए वो अपने दोस्तों के पास आया और बोला, क्या बताऊं दोस्तों, अपने घर में चुड़ैल रहती है। ये देखो, उसने हाथ के नाखूनों से मेरा चेहरा लहूलुहान कर दिया। दरवाजे पर एक रखवाला था। उसने मेरे पैर में छुरा भोंका और आंगन में काला कलूटा शैतान था। उसने मुझे लकड़ी का डंडा मारकर धड़ाम से गिरा दिया। छत पर एक न्यायाधीश बैठा था। उसने कहा, सारे चोर बदमाशों को मेरे सामने लाओ। फिर तो चोरों का उस घर से भरोसा ही उठ गया। जबकि ब्रेमेन नगर के उन चार गवैयों को वो घर भरोसे का लगा और वे सभी वहां हमेशा के लिए रहने लगे। बच्चों, अब समझ गए ना कि वो चार गवैये कौन थे? गधा, कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा। मन्या का बजा बैंड बाजा। मन्या भाई, अपनी मनी बिल्ली का बच्चा, उम्र सिर्फ 4 महीने, पर इतना बदमाश, इतना नटखट कि उसने सभी के नाक में दम कर दिया था। उसको संभालते संभालते मनी बिल्ली थक जाती बिचारी। मन्या की बदमाशियां, मन्या का नटखटपन सबके लिए परेशानी बन गया था। मनी बिल्ली उसे अपने बच्चे को हमेशा समझाती थी कि बेटे, हम बिल्लियां हैं, इतनी बदमाशियां हम बिल्लियों को शोभा नहीं देती। हमें चूहों का शिकार करना चाहिए, उड़ते हुए पंछियों का पीछा करना चाहिए। कहीं दूध का बर्तन दिखे तो चुपके से उसमें मुंह घुसाना चाहिए। बस इतना ही अपना काम है रे। ये काम छोड़कर तू पूरा दिन बदमाशी ही करता रहता है। तेरे बाकी भाइयों को देख, कितने अच्छे से रहते हैं। उनके जैसा बन, म्याऊ म्याऊ, मेरा अच्छा बच्चा। मन्या सिर हिलाकर सिर्फ हाँ हाँ करता, पर थोड़ी ही देर में उसकी बदमाशियां फिर से शुरू हो जाती। किसी की पूंछ खींच, किसी के पीठ पर चढ़, किसी को नुकीले नाखूनों से नोच, कुत्तों को उकसाओ। उस दिन मन्या ने रास्ते में धीरे धीरे सूंड हिलाते हुए डोलते हुए जा रहे हाथी को देखा। और फिर क्या, मन्या ने तय किया कि वो चूहा, पंछी और छोटे कीड़े छोड़कर हाथी को पकड़ेगा। हाँ, उसने मनी बिल्ली को बताया, माँ, रोज रोज चूहे, कीड़े, पंछी पकड़ने की इच्छा नहीं होती। रोज रोज वही वही वही। मैंने कल रास्ते से जाते हुए एक हाथी को देखा। कितना बड़ा प्राणी, कितनी बढ़िया उसकी सूंड, कितने बड़े उसके कान, घर के खंभों जैसे बड़े बड़े पैर है उसके। माँ, हाँ माँ, मैं आज हाथी को पकड़ूंगा। वो चूहे के जैसे झट से अपने बिल में नहीं भागेगा माँ, या पंछी की तरह झट से उड़कर पेड़ पर भी नहीं बैठ जाएगा। हाँ ना,
उसकी चाल कितनी मध्यम थी, चींटी भी उससे ज्यादा तेज चलती होगी। म्याऊं म्याऊं। मनी बिल्ली तो हंसने ही लगी। अरे मनिया, हाथी को पकड़ना इतना आसान है क्या? गलती से भी उसके पैरों के नीचे आया तो कुचला जाएगा, हरे मिट्टी में जाएगा, दिखोगे भी नहीं। और अगर हाथी ने तुम्हें सूंड में उठाकर दूर फेंक दिया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। ये देख, जैसा बड़ी बिल्लियां करती है ना, वैसा ही करना चाहिए। चूहों का शिकार करना चाहिए, ऊंचे पेड़ पर चढ़कर पंछियों के अंडे या पंछियों के बच्चे पेड़ के नीचे ले आने चाहिए। हाथी पकड़ने का विचार भी न करना। म्याऊं म्याऊं। वो कुछ नहीं माँ, मैं हाथी पकड़ूंगा मतलब पकड़ूंगा बस। हाँ माँ, मैं हाथी पकड़ूंगा। ठीक है बाबा, पकड़ हाथी और भोग अपने कर्मों के फल। अरे घी देखा लेकिन बड़का नहीं देखा। हाथी पकड़ना क्या है ये समझेगा तू। मैं जाती हूँ अपने काम को, बड़ों का तो सुनना नहीं है तुम्हें। जा कर जो करना है। और इस तरह गुस्से में मनी बिल्ली निकल गई। मनी बिल्ली बाहर निकलने पर मनिया भी बाहर निकला। भूख प्यास सब भूलकर वो दिन भर हाथी को खोज रहा था, पर हाथी मिला नहीं। अरे हाथी क्या रोज रोज रास्ते में घूमता रहता है क्या? गली गली में हाथी ढूंढता रहता है क्या? नहीं ना। आखिरकार वो निराश मन से घर लौट आया। मनी बिल्ली उसके पहले ही घर आई थी। खंबे की आड़ से वो मनिया के मजे ले रही थी। मनिया घर आया और अचानक उसे एक बहुत बड़ी सूंड दिखी, सफेद, एकदम कल देखे हुए हाथी की सूंड जैसी। मनिया खुश हो गया, उसे लगा कि घर में सफेद हाथी छुप कर बैठा है। मनिया को दिखाई हुई सूंड मतलब बिजली की मदद से घर का धूल कचरा साफ करने वाली लंबी मशीन थी। मनिया धीरे धीरे उस पाइप के पास सूंड समझकर जा रहा था। मनिया के मन की बात मनी बिल्ली ने जान ली। माँ थी ना वो। और जब मनिया पाइप के ऊपर झपटा, तभी मनी बिल्ली ने धीरे से मशीन का बटन अपने पंजों से दबाया। धूल कचरा साफ करने वाली मशीन शुरू हो गई। मशीन से आने वाली जोरदार हवा से मनिया जोर से फेंका गया। वो इतने जोर से फेंका गया कि उसकी पीठ पर बुरी तरह से चोट लगी। म्याऊं म्याऊं करके वो चिल्लाने लगा। मनी बिल्ली को उस पर दया आ गई। माँ का दिल जो था, उसने बटन बंद किया। वो मनिया के पास आई और उसने मनिया को गोद में उठाया। घबराया हुआ मनिया अपनी माँ को चिपक कर बैठ गया। अब उसे होश आया। ऐसा होश आया कि उसने कहा कि मैं हाथी को कभी नहीं पकड़ूंगा, कल से चूहे, कीड़े और पंछी ही पकड़ूंगा।
मनी बिल्ली हंसी। म्याओ म्याओ। मनिया का बजा बैंड बाजा। कपटी जबड़ा हंस के खोलना। बच्चों, एक जंगल में एक सिंह रहता था। वो जंगल का राजा था, पर अब वो बहुत बूढ़ा हो गया था। वो इतना बूढ़ा हो गया था कि शिकार करने के लिए वो चल भी नहीं पाता था। वो बहुत बार भूखा भी रह जाता था। बहुत पहले की बात है, उस समय सिंह बहुत ताकतवर था। एक साधु का उसने शिकार किया था। उस साधु का डंडा और जाप की माला वहीं रह गई थी। सिंह ने तय किया कि वो उस साधु का भेष पहनकर अपने पंजे में जाप की माला रखेगा। उसके पीछे उसकी एक चाल थी। बाकी जानवरों को लगेगा कि सिंह अब सीधा हो गया है, पहले जैसा हिंसक नहीं है, एकदम अहिंसक हो गया है। थोड़े दिनों बाद एक बंदर उस जंगल में आ गया। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता। उसके हाथों में केले का एक बहुत बड़ा गुच्छा था। बंदर को सिंह की यह दशा देखकर दया आ गई। हंस हंस कर बदमाशियां करना, ये तो बंदर का स्वभाव ही है। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और नीचे सिंह को देखकर बोला, महाराज, आप तो जंगल के राजा हो, पर साधु की तरह शांत दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से आपने कुछ खाया नहीं है। ये फलों का गुच्छा आपको दे दूं? ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी इच्छा हुई तो ये केले का गुच्छा मैं नीचे गिराता हूँ। सिंह को बहुत अच्छा लगा। मन में सोचा कि कितना भोला प्राणी है ये। उसे नीचे बुला लूंगा, उसका मन भटकाऊंगा और इस तरह वो पास आया कि उसे पकड़ लूंगा। फिर तो दावत हो जाएगी और मजा आ जाएगा। फिर जानबूझकर सिंह ने बंदर को धीमी आवाज में प्रार्थना की, प्यारे दोस्त, मेरा प्राण बचे इसलिए भगवान ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। बिल्कुल सही समय पर आए हो। कितने दिन हो गए मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, पर ये फल अगर तुम ऊपर से फेंकोगे तो मुझसे दूर गिरेंगे। मैं अब कमजोर हो गया हूँ। तुमने फेंके हुए फलों तक पहुँचने का भी मुझमें दम नहीं है। पास आकर अगर मुझे फल खिलाओगे तो तुम्हारी मुझ पर बहुत कृपा होगी। सिंह सच में कमजोर लग रहा था। सिंह की ऐसी हालत भी नहीं थी कि बंदर को उसके कपट का जरा सा भी शक हो। उसने पेड़ से छलांग मारी और सिंह के पास आ गया। सिंह ने तभी उसे अपने जबड़े में पकड़ लिया। बंदर बहुत घबरा गया। संकट आने पर घबराना नहीं चाहिए, ये बंदर को मालूम था। थोड़ी देर शांत रहकर उसने भूत होने का नाटक किया और हंसने लगा। अरे, हंस क्यों रहा है? सिंह ने पूछा। एक बड़ी मजेदार बात हुई है महाराज, अगर आपको वो सुननी हो तो ना तो आपको भी पहले हंसना पड़ेगा। बस फिर क्या हुआ? हंसने के लिए सिंह ने जबड़ा खोला और बंदर उसी समय उसके जबड़े से बाहर आ गया, झाड़ियों से होता हुआ दूर भाग गया।
और उस जल्दी जल्दी में भी केले का गुच्छा अपने साथ लेना नहीं भूला। सिंह मुंह लटकाकर बैठ गया। सिंह का असली रूप उसने जंगल के सभी प्राणियों को बताया। एक तालाब के किनारे एक जंगल था जहाँ कबूतरों का समूह था। उस समूह में अलग अलग तरह के कबूतर थे। समझदार बुजुर्ग कबूतर थे, वैसे ही जवान और शरारती कबूतर भी थे। छोटे छोटे अभी अभी उड़ना सीखे हुए भी कबूतर थे। इन कबूतरों का समूह दिन भर खाने की खोज में भटकता था। नजदीक के चरागाह, खेत, बाग बगीचे, इनके ऊपर से उड़ते हुए वो खाना ढूंढते थे और सब मिलकर पेट भर खाते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह हुई और सब कबूतरों ने खाने की खोज में एक साथ आसमान में उड़ान भरी। खाने की खोज में वो उड़ने लगे, पर उनको कहीं भी खाना नजर नहीं आया। अचानक नीचे जमीन पर पेड़ों के बगीचे दिखाई दिए, कुछ घर भी उन्होंने देखे। नेता कबूतर ने उन सबसे कहा, हमें यहाँ नीचे नहीं उतरना चाहिए, यहाँ इंसानों की बस्तियाँ हैं। पर नटखट जवान कबूतरों को अचानक नीचे दाने दिखाई दिए। उन्होंने नेता से कहा, यही उतरेंगे, बढ़िया दाने हैं नीचे। छोटे कबूतरों ने भी शोर मचाया, भूख लगी, और नेता ने सबको होशियार रहना ऐसा कह के इजाजत दे दी। एक बढ़िया से गोल चक्कर मार के कबूतरों का वो समूह नीचे उतर गया। बड़े मजे से नीचे बिखरे दाने वो खाने लगे। थोड़े से दाने पेट में जाते ही जवान कबूतर मस्ती करने लगे, जोर जोर से गुटर गुम ऐसी आवाज करने लगे। छोटे कबूतर एक दूसरे के ऊपर कूदने लगे। सबके सब ये हुई खुशी में जब थे, अचानक वो जान गए कि वो हिल ही नहीं सकते, और उनके ध्यान में आया कि उनके पैर जाल में फंस गए हैं। सब कबूतरों ने निकलने की बहुत कोशिश की। इतने में नेता ने उन्हें शांत किया। उसने कहा, ये देखो, ये जाल बिछाने वाला वो शिकारी इधर ही आ रहा है। अब जब तक मैं ना बोलूं, चुपचाप पड़े रहना है। मैंने 1 2 3 कहते ही हम सबको एक साथ उड़ना है। शिकारी नजदीक आया, देखता है तो क्या, उसके जाल में आज बहुत पंछी फंस गए हैं। उसने खुशी से गर्दन हिलाई। सबके सब पंछी बेहोश हैं, ऐसा समझकर उसने सब जगह बांधे हुए जाल के डोर छोड़ दिए। उसने आखिरी डोर छोड़ा और उस नेता कबूतर ने 1 2 3 कहा। उसने ये कहा कि बस सब कबूतरों ने एक साथ पंख हिला के जाल के साथ उड़ान भरी। बेहोश पंछी एक साथ जाल लेके उड़े ये देखकर शिकारी ने कहा, अरे रे, पंछी तो उड़ ही गए पर मेरा जाल भी गया। एक पेड़ पर एक घोंसला था, तीन कौन से भरा, यहाँ वहाँ सब फैला हुआ कौवे का। और एक घोंसला था बड़ा खूबसूरत, अच्छा सा सजाया हुआ चिड़िया का। एक बार क्या हुआ,
भयानक तूफान आया, बिजलियां चमकी, बारिश भी शुरू हुई। और जो कमजोर था वो कौवे का घोंसला टूट गया। कौवा पूरी तरह से भीग गया। कौवे ने तय किया कि पड़ोस की चिड़िया के घर में जाएंगे, घोंसले की गर्मी में चुपचाप बैठे रहेंगे। कौवे ने चिड़िया का दरवाजा खटखटाया और बोला, चिड़िया बहन दरवाजा खोलो। चिड़िया बहन ने कहा, कौवा भैया जरा रुकिए, मैं मेरे मुन्ने को नहला रही हूँ। कौवा थोड़ी देर रुका, फिर से बोला, चिड़िया बहन दरवाजा खोलो। चिड़िया बहन ने कहा, जरा रुकिए ना कौवा भैया, मैं मेरे मुन्ने को कपड़े पहना रही हूँ। थोड़ी देर के बाद कौवे ने फिर से दरवाजा खटखटाया। चिड़िया बहन जरा जल्दी दरवाजा खोलो ना। चिड़िया बहन ने कहा, रुकिए ना जरा, मैं मेरे मुन्ने को काला टीका लगा रही हूँ। लेकिन बाहर कौवा बारिश में पूरा भीग चुका था, वो ठंड से कांप रहा था। फिर से बोला, चिड़िया बहन दरवाजा खोलो ना, बारिश में मैं बहुत भीग गया हूँ, ठंड से कांप रहा हूँ। ये सुनके चिड़िया बहन ने दरवाजा खोला, कौवा भैया को घर में लिया, बदन पोंछने के लिए टॉवेल दिया और कहा, कौवा भैया यहाँ बैठिए, मैं अभी नहा के आती हूँ। कौवा भैया को किचन से खीर के पकने की खुशबू आने लगी। उससे रहा न गया, कूद के किचन में गया। गरम गरम खीर की खुशबू से कौवे को लगी बहुत भूख। और फिर क्या, उसने और कुछ भी नहीं सोचा, उसने खीर चट कर डाली। नहा के आई चिड़िया बहन ने देखा कि मुन्ने को खिलाने की खीर कौवा भैया ने तो खत्म कर डाली। उसे बहुत गुस्सा आया। चूल्हे में से जलती लकड़ी उठा के उसने कौवे पे फेंक दी। कौवे की पूंछ पे जलती लकड़ी गिरने से उसकी पूंछ जल गई। वो चिल्ला के भाग गया, मेरी पूंछ जल गई, चिड़िया बहन की खीर खाई पूंछ जल गई, सबक मिला। एक राजा ने एक बंदर पाला था। बंदर बहुत ही होशियार था, उसे जो जो सिखाया जाता वो सब वो बहुत जल्दी सीखता था। राजा ने उसे बहुत कलाएं सिखाई थी, धनुष चलाना, तलवार चलाना, राजा के बहुत सारे छोटे बड़े काम वो बंदर सही समय पे करता था। इस होशियार बंदर का अपने मालिक पर यानी राजा पर बहुत प्रेम था। राजा का भी ये बंदर लाडला था। राजा उसे बादाम पिस्ते खिलाता था, नए नए कपड़े देता था। राजा ने इस बंदर को अपना अंगरक्षक मुकर्रर किया था। अंगरक्षक का मतलब क्या? राजा की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी जिस पे है वो। एक बार क्या हुआ, दोपहर को राजा अपने महल में आराम कर रहा था।
राजा बहुत गहरी नींद में था। अंगरक्षक बंदर वहां खड़ा पहरा दे रहा था। इतने में एक मक्खी वहां आई और गूं आवाज करके वहां घूमने लगी। अंगरक्षक बंदर का उस मक्खी की ओर ध्यान गया। मक्खी अब राजा के पैर पे बैठ गई। बंदर ने हाथों से उसे हटाया। मक्खी फिर से उड़ के राजा के हाथ पे बैठ गई। बंदर ने उसे फिर से हटाया। मक्खी अब राजा के कान के पास घूं घूं आवाज करके घूमने लगी। अब बस बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने मक्खी को हटाने के लिए सीधा तलवार निकाली। इतने में राजा ने करवट बदली। मक्खी अब राजा के नाक पे बैठ गई। बंदर ने बहुत ही चपलता से वार किया तो क्या अजी राजा का नाक ही कट गया। राजा चिल्लाते हुए उठा, ओय 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 ओय, अरे बाप रे। पर मक्खी तो वहां से कब की निकल चुकी। राजा ने बंदर को हाथ में तलवार लेकर खड़ा देखा। गुस्से में उसने बंदर के हाथ से तलवार छीनी और धार से उसका सर कलम किया। आखिर में उस बंदर को मरना पड़ा और बेवकूफ की संगत यानी जान पे आफत, ये सबक राजा को अपना नाक गंवा के मिला।